वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं, यदि क्योंकि डेफिनेशंस तभी आपकी कंप्लीट होगी जब उसमें जितने भी टेक्निकल वर्ड्स से उसका मीनिंग आपको पता हो। यहाँ पर डेटा और इन्फॉर्मेशन में डेटा सबसे पहले, आपने बहुत समय डेली आप यूज करते हो ये वर्ड डेटा। अब डेटा क्या है? डेटा आप हर एक चीज जिसको सोच सकते हो कि वो कोई फिगर हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, हर एक चीज वो डेटा जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो सकता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हो सकता है कि वो ऑडियो और वीडियो फॉर्म में हो, लेकिन वो स्टोर हो सकता है, उसको अपन प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो डेटा है। तो डेट, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, हर एक चीज जो स्टोर हो सकती है किसी भी फॉर्म में और उसको अपन प्रोसेस कर सकते हैं, वो डेटा है। इंफॉर्मेशन की बात करें, डेटा रॉ फैक्ट्स है। अब यदि मैं इसको प्रोसेस करके इसके साथ कुछ एक एट्रीब्यूट जोड़ देता हूं जिससे इसका कुछ मीनिंग निकलता है, वो मीनिंगफुल डेटा इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा, इसकी कुछ मीनिंग होती है जिसको हम प्रोसेस, ये इंफॉर्मेशन हमको उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद, उसको इंटरप्रेट करने के बाद, उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद, उसको स्ट्रक्चर्ड करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, तो वो डेटा बन गई इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमेशा किसी कॉन्टेक्स्ट और मीनिंगफुल की ओर होती है, और उस इंफॉर्मेशन से हम कुछ अपने डिसीजन और एक्शन लेते हैं। तो डेटा और इंफॉर्मेशन आप लोग समझ गए, डेटा सर चीज जो कंप्यूटर में स्टोर हो सकती है और प्रोसेस हो सकती है, डेटा है। इंफॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करके यदि हम उसका मीनिंगफुल और मीनिंग निकाल पा रहे हैं किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हो गई इंफॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन, ये दो वर्ड्स बहुत जानना जरूरी है। और हम कंप्यूटर का यूज क्यों कर रहे हैं? हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम कुछ डिसीजंस लेने के लिए, कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो अब इस ये श्योर है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये दो वर्ड्स जरूर आने चाहिए, डेटा और इंफॉर्मेशन। क्लियर? आगे बढ़े, आप नोट भी करते आइए, जो बच्चे हैं कॉपी लेकर आप ये डेटा इंफॉर्मेशन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं डेटा को समझने के लिए। डेटा को सपोज मैं यहाँ पर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर तीन नंबर्स मैंने लिखे हैं, 25, 33 एंड 48। ये नंबर अलग अलग विद्यार्थी, मैं केवल इन तीन ही नंबर को बोर्ड पर लिखता हूँ सपोज, तो अलग अलग विद्यार्थी इन नंबर्स को अलग अलग सोच सकते हैं कि वो ही क्या है। कोई विद्यार्थी सोच सकता है कि ये किसी की एज है, कोई विद्यार्थी सोच सकता है ये किसी के मार्क्स हैं, और कोई विद्यार्थी सोच सकता है कि ये रोल नंबर्स हैं या हाउस नंबर की लिस्ट है। आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में इसकी कुछ किसी कोई इसकी मीनिंगफुल डिफाइंड नहीं, मीनिंग डिफाइंड नहीं हो रही है कि ये किस किस से जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन ये नंबर है, स्टोर हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं, इसलिए डेटा है। अब इन डेटा के आगे मैंने एक इसकी प्रॉपर्टी, मैंने आपको ये बता दिया कि ये किसी क्लास में किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, किस सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो और इन मार्क्स को मैंने कैलकुलेट करके एवरेज निकालकर ग्रेड निकाली, और अब मैं कह सकता हूं कि यार ये मार्क्स जो थे इसकी ग्रेड से स्टूडेंट की ग्रेड बी है, जो कि एक मीनिंग निकल रही है यार स्टूडेंट की ग्रेड क्या है। तो यदि किसी क्वेश्चन का सवाल, किसी क्वेश्चन का जवाब आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिल रहा है कि यार इस स्टूडेंट की ग्रेड ये है, तो अब ये एक इंफॉर्मेशन है। तो डेटा रॉ फैक्ट से इसको प्रोसेस करके हमको यदि किसी कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग मिल रहा है, तो वो क्या बन गई है? इंफॉर्मेशन। कुछ और दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इंफॉर्मेशन के। सपोज वर्ल्ड में के टेम्परेचर जो है, वर्ल्ड के पूरे टेम्परेचर्स का रिकॉर्ड 50 साल का यदि हम देखते हैं कि पर डे क्या टेम्परेचर रहा है, तो जो रिकॉर्ड न्यूमेरिकल फॉर्म में है वो डेटा है। लेकिन यदि मैंने इन डेटा को ऑर्गेनाइज किया और एनालाइज किया, और उससे मुझे एक एनालाइज करने के बाद ये पता लगा कि यार ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो आपको एक नया चीज एनालिसिस करने के पता लगी है कि यार ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का, तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी जो न्यूमेरिक डेटा है पर डे का कंट्री वाइज, वो डेटा है, लेकिन उसको एनालाइज करने के बाद आपको ये पता लगा
कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही यदि कोई वेबसाइट है जिसको दो कंट्रीज के, उस वेबसाइट को उस कंट्रीज के लोग कितनी बार विजिट कर रहे हैं तो वो जो नंबर्स हैं वो डेटा है। लेकिन इन नंबर्स से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी वेबसाइट को इंडिया के लोगों ने इतना विजिट किया, एक दूसरी कंट्री ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने इतना विजिट किया, तो जो विजिट नंबर ऑफ विजिट से वो डेटा है। लेकिन यदि मैंने उसको दोनों को कंपेयर करने के बाद ये डिसीजन लिया कि यार इस वेबसाइट में जो सर्फिंग या विजिटर्स की संख्या है वो इंडिया में ज्यादा है, तो ये निष्कर्ष है, तो ये इंफॉर्मेशन है। तो आपने डेटा को एनालाइज किया, प्रोसेस किया, तो वो इन्फॉर्मेशन है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझना बहुत जरूरी है कंप्यूटर की डेफिनेशन समझने से पहले। डेटा रॉ फैक्ट्स हैं, उसको मैंने प्रोसेस करूंगा मैं, और प्रोसेस करने के बाद यदि वो डेटा का कुछ कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या हो गई है, इन्फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर केवल कंप्यूटर को डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का डेफिनेशन अलग होगी। मैं केवल कंप्यूटर को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, और ये जो इमेज देख रहे हो इस इमेज से भी आप इसको इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। यस, कंप्यूटर की बहुत सारी डेफिनेशन आप बुक्स में पढ़ते होंगे और टीचर्स अलग अलग डेफिनेशन बनाते हैं, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए केवल जो दो टेक्निकल वर्ड्स जो मैंने इससे पहले आपको बताए हैं, बस उन दो टेक्निकल शब्द आप समझ चुके हैं, तो इसको कंप्यूटर को आसानी से आप समझ सकते हैं। डेटा, इन्फॉर्मेशन, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि हमको कुछ डिसीजन लेने हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करनी है। तो एक डिवाइस ऐसी है जो डेटा को कन्वर्ट करती है इन्फॉर्मेशन, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, कोई बताएगा? डेटा को कन्वर्ट करने वाली डिवाइस, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि डेटा से हमको कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन हमको इसलिए चाहिए कि हम हमारे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक डिवाइस चाहिए जो डेटा को कन्वर्ट करें इन्फॉर्मेशन में, और वो डिवाइस जिसकी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और आउटपुट में क्या जनरेट करता है, इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर कंप्यूटर की सबसे सरल, इससे ज्यादा सरल डेफिनेशन नहीं हो सकती कंप्यूटर की, जिसमें डेटा को प्रोसेस करने वाली एज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट में डेटा लेती है, प्रोसेस करती है उसको, और आउटपुट में एक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें प्राप्त होती है। अब यहां पर इस पिक्चर, इस डेफिनेशन से नीचे जो आप पिक्चर देख रही है इसको ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी नोट कर सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को याद नहीं की जाती, आप उसमें जो टेक्निकल वर्ड सीरीज समझ गए तो आप कभी भी डेफिनेशन कंप्यूटर की बता सकते हैं, और दो शब्दों को आपको समझना है, समझ चुके होंगे आप, डेटा और इन्फॉर्मेशन। यस, आप उस डेफिनेशन की जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखिए कि प्रोसेस से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन जो डेटा आ रहा है वो 0101 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये आपको पूछना चाहिए कि कंप्यूटर, ये जो 0101 है, आपने सुना है, बुक्स में पढ़ा है, टीचर्स ने बनाया है कि कंप्यूटर 01 की लैंग्वेज पर काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज क्यों यूज करता है, इसका जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेगा अभी कुछ स्लाइड्स के बाद। तो यहां पर आप सिंपल सी उस डायग्राम को देखिए कि इनपुट में रॉ डेटा गया है, प्रोसेस करता है, और हमको आउटपुट में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो ये जो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को कन्वर्ट करेगी इन्फॉर्मेशन में, वो डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटर, केबल कंप्यूटर ना, कंप्यूटर सिस्टम को मैं आगे डिफाइन कर रहा हूं मैं। नोट कर लिया, आगे 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 बढ़े बेटा। चलिए, नाउ व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करती है इन्फॉर्मेशन में, ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकें अपने डिसीजंस लेने में। नाउ कंप्यूटर सिस्टम, अब कंप्यूटर जो प्रोसेस कर रहा है, वो प्रोसेस करने के लिए उसको डेटा चाहिए। अब डेटा उसको ऐसी कोई एक दूसरी डिवाइस यूज करना पड़ेगा जिससे वो डेटा को ले सके,
प्लस उसको प्रोसेस करने के लिए उसको कहीं ना कहीं स्टोर होना पड़ेगा, तो उसको एक डिवाइस और चाहिए यार कि वो डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कर सके जो इनपुट लिया है। इसके बाद एक प्रोसेसर है जो उसको प्रोसेस कर रहा है। अब प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया है एज अ इन्फॉर्मेशन, वो तो सेव है। अब उसको यूजर्स को तो बताना पड़ेगा ना कि इन्फॉर्मेशन ये है, उसको फिर एक और डिवाइस चाहिए। अब डेटा को प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए, अभी तक आपने देखा कंप्यूटर केवल प्रोसेस कर रहा है, लेकिन प्रोसेस करने के लिए उस इस टास्क को करने के लिए उसको इनपुट भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, प्रोसेसर तो है ही वो, आउटपुट भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को ये टास्क करने के लिए दूसरे कंपोनेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इस कंप्यूटर को दूसरे कंपोनेंट के साथ जोड़ देते हैं ताकि वो अपनी टास्क को कंप्लीट कर सके। तो कंप्यूटर को दूसरे कंपोनेंट्स के साथ अपन ने जोड़ दिया है, तो वो बन गया कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर, समझ में आ रहा है? कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम। तो अब हमको डेटा चाहिए, तो ऑब्वियसली हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करेंगे। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इससे डेटा हम देते हैं। प्रोसेसर उसी डेटा को प्रोसेस करेगा जो कि कहीं ना कहीं उसके पास अवेलेबल हो। अब अवेलेबल कैसे होगा? कहीं ना कहीं स्टोर हो। तो हमको इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टोरेज डिवाइस। स्टोर होने के बाद सीपीयू या प्रोसेसर का है उसको प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेसिंग बाइनरी फॉर्मेट करेगा, इसको अपन आगे देखेंगे। प्रोसेस करने के बाद उसने अपने रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइसेस पर दे दिया। अब इसको आउटपुट डिवाइस भी चाहिए, तो आपका इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसर और आउटपुट, ये चार कंपोनेंट को यूज कर रहा है, और इससे इन चारों कंपोनेंट को हम कंबाइंड रूप से बोल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो नोट कर ले, कंप्यूटर जस्ट अ मशीन जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रही है, प्रोसेस कर रही है, और कंप्यूटर सिस्टम, सिस्टम में इनपुट, प्रोसेसर, स्टोरेज और आउटपुट डिवाइस। तो ये कंप्यूटर सिस्टम बन रहा है। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और आप लोग सभी जानते हैं हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। यस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अपने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, मेमोरी, ये सब हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मैं अगली स्लाइड्स में आपको बता रहा हूं। जिस प्रकार से कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके बिना कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं कंप्लीट हो सकता है। हार्डवेयर को आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मली डिफाइन कर रहा हूँ हार्डवेयर को। कंप्यूटर हार्डवेयर सभी कंप्यूटर के जो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, जो कि कंप्यूटर के वो ऑपरेशंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से ऑपरेशंस? जो मैंने बताए थे, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये कंप्यूटर के मेन चार फंक्शंस हैं। अब इन चार फंक्शंस को करने के लिए हमको ऑब्वियसली फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगेंगी, तो ये क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, अब इस हार्डवेयर को, ये तो डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अब ये ऑटोमेटिकली रन थोड़ी होती है, इनको रन करने के लिए फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस, कमांड चाहिए। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए, रन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं, जिनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर, इन हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर लगेंगे। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। और सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम सॉफ्टवेयर का यूजर्स यूज करते हैं, कई सॉफ्टवेयर की कैटेगरी ये भी है जिसमें हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छी तरह पता है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, है ना, और इंटरनल सीपीयू, ऑडियो वीडियो साउंड कार्ड्स, रैम, मॉडेम, ये सब कैश में होते हैं, सीपीयू कैश। सॉफ्टवेयर भी, जैसे मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर अपने फंक्शनिंग करने के लिए यूज करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें यूजर के लिए, जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके स्मार्टफोन में आप ऐप डाउनलोड करते हो, जितने भी ऐप, तो वो एप्लीकेशन ऐप, वो सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर्स के लिए होते हैं। यूजर्स अपनी 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 टास्क को कंप्लीट करता है उन एप्लीकेशंस के जरिए। तो ये सॉफ्टवेयर कौन से हुए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों सॉफ्टवेयर हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर,
कंप्यूटर अपने फंक्शन के लिए यूज करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर्स अपनी सर्विसेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आप विंडोज का देख लें, आप आपके फोन स्मार्टफोन में जो एंड्रॉइड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसके लिए है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के लिए, हार्डवेयर कंपोनेंट कंपोनेंट्स के लिए। और एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें हम यूजर यूज करता है उन सॉफ्टवेयर्स को, जिससे उनको सर्विसेज मिलती है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों जो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, एक दूसरे के पूरक है। हार्डवेयर यदि सॉफ्टवेयर उसमें नहीं होगा तो वो अपना काम कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शन उनको कैसे मिलेगा, और सॉफ्टवेयर अकेला है तो वो रन कहाँ होंगे। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक हैं, और इसी से कंप्यूटर सिस्टम बनता है, समझ गए। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम, इसको डिफाइन किया है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हैं आप बिल्कुल, है ना, ये डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार लिखेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी। अब कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अभी कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन किया। अब ऑपरेशंस हैं, ये डायग्राम से आप सिंपल सा देख रहे हो, इनपुट डिवाइस सीपीयू, सीपीयू में मेमोरी यूनिट्स है, इसके बाद एएलयू डिवाइसेस है, और कंट्रोल यूनिट है, और आउटपुट यूनिट है। अब ऑपरेशंस आप अपन यहाँ पर देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के, सबसे पहला ऑपरेशन इनपुट। आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो किसी आपके टास्क, आपकी जॉब, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम तो बतानी पड़ेगी, तो ये काम किसका, यूजर का है कि भैया प्रॉब्लम क्या है, तभी तो कंप्यूटर सॉल्व करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है ये आपको एज अ डेटा कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो जिस पहली सबसे पहली ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम का यही है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये चीज आपको कंप्यूटर को बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने कंप्यूटर का प्रॉब्लम बता रहे हो तो वो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो एज अ कमांड, माउस से भी आप कमांड देते हो, कीबोर्ड से, है ना, तो एज अ कमांड आप कंप्यूटर को डेटा दे रहे हो, दैट ये प्रोसेस कहलाती है इनपुट। अब सीपीयू आपके डेटा को उसने मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लिया कंप्यूटर ने, क्योंकि सीपीयू उसी प्रोसेस उसी डेटा को प्रोसेस करेगा जो उसके पास अवेलेबल है, और अवेलेबल कब रहेगा, जब वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो इस इनपुट के बाद जो अगली स्टेप बनती है डेटा स्टोरेज, तो स्टोर डेटा या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में या डेटा के फॉर्म में आपने प्रॉब्लम बता दी कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने कहा कि दो नंबर को जोड़ना है, तो आपको कंप्यूटर को दो नंबर कौन से हैं ये तो बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप है, यूजर को बताना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है उसको बताना पड़ेगा डेटा के फॉर्म में। तो डेटा प्रॉब्लम बताने के लिए उसको इनपुट करना पड़ेगा, तो पहली स्टेप हो गई इनपुट की ऑपरेशन की, दूसरी स्टोर हो गया, जब जैसे जरूरत पड़ेगी सीपीयू को वो स्टोरेज डिवाइस से डेटा को लेगा, तीसरी स्टेप प्रोसेसर की आएगी, उस डेटा जो कि स्टोर है उसको वो प्रोसेस करेगा। अब किस प्रकार से प्रोसेस करेगा, मतलब सेकेंड स्टेप भी यूजर को ही बतानी पड़ती है। आपने बता दिया कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि हाउ इट कैन बी सॉल्व, मतलब आपने प्रॉब्लम बताई कि क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजर कंप्यूटर को बताने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर केवल आपके द्वारा बताए गए लॉजिक को चलाता है, रन करता है, ठीक है। तो फिर आपको इनपुट आपने दिया कि प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ये लॉजिक आपने बता दिया है। सीपीयू जो प्रोसेसर है आपके बताए गए लॉजिक को इंप्लीमेंट करता है, मतलब प्रोसेस करता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने जिस जो लॉजिक दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा को कन्वर्ट कर देगा रिजल्ट के फॉर्म में, इज इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, जो आप चाह रहे थे जिस प्रकार का रिजल्ट वो इंफॉर्मेशन में। आप यदि सही लॉजिक दोगे तो सही आंसर देगा, गलत लॉजिक दोगे तो गलत आंसर देगा। तो प्रोसेसिंग डेटा आपकी ये थर्ड स्टेप हो गई, जिसका सीपीयू का काम है, आपके द्वारा बताई गई प्रॉब्लम और उसके आपके बताए गए लॉजिक दोनों को उसने प्रोसेस करके डेटा को कन्वर्ट कर दिया इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन तो सेव है, यूजर तक कैसे पहुंचेगी, आउटपुट डिवाइस, तो वो इंफॉर्मेशन जो कि इसके पास स्टोर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम है आउटपुट डिवाइसेस का। और इसके बाद अगला जो मेन टास्क है कि ये सब जो चारों ऑपरेशंस मैंने बताए, इनपुट
स्टोर डेटा, प्रोसेसिंग डेटा और आउटपुट, ये चारों अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होते, इन्हें करने के लिए एक कंट्रोल यूनिट चाहिए। तो आपकी जो एक फंक्शन हो गया है कंट्रोल द प्रोसेस, और ये काम करता है सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और भी अपन इसको डिटेल में देखेंगे ऑपरेशंस को। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस हुए हैं। तो आपकी चार प्रोसेस हो गई है, इनपुट, स्टोरेज डेटा, प्रोसेसिंग डेटा और आउटपुट इन्फॉर्मेशन। और इन सब चारों प्रोसेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए वो कौन है, कंट्रोल यूनिट। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो आप एक डायग्राम देख रहे हो उसमें कुछ 0101 आ रहे हैं और आउटपुट में इंफॉर्मेशन मिल रही है, इनको 01 एग्जैक्टली क्या है? आप लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए अपने टीचर से, और यहां पर मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाई कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबर। ये तो सबको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर यूज करते हैं, सबको पता है। 0101 आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा, बता दे कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को यूज करता है। तो बाइनरी बीआई बाय दो स्टेट 0101 जो है वो एक इंटरप्रिटेशन है दो स्टेट का, दो अवस्थाओं का कंप्यूटर का। मैं इसको या बता रहा हूं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को क्यों यूज करते हैं। अपन जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो है डेसिमल। डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 है। इसलिए हमारे नंबर सिस्टम में आप 0 से लेकर 9 10 सिंबल्स डिजिट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई नंबर यूज करते हैं क्या अपन? नहीं। तो 0 से 9 ये जो 10 डिजिट है ये 10 स्टेट्स हैं, 10 अवस्थाएं, ठीक है। अपना नंबर सिस्टम है डेसिमल, तो हम डेसिमल में सारे नंबर सिस्टम इन 0 से 9 के अंकों से ही बनाते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑब्वियसली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसमें जो पूरा सर्किट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, तो वहां पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जा रहे हैं, करंट जा रहा है, वोल्टेज है, ये सब पता है। अब वोल्टेज की, चूंकि वोल्टेज वेरी करता है, तो उसकी केवल दो स्टेट, क्योंकि वो वेरी करता है तो उसकी हम अलग अलग स्टेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी दो स्टेट हमको जरूर पता है, ये वोल्टेज लो हो या वोल्टेज हाई। तो वोल्टेज लो मतलब ऑफ स्टेट, वोल्टेज हाई मतलब ऑन स्टेट। उस ऑफ को मैंने माना 0 और ऑन स्टेट को माना 1। जैसे अपने घर के टॉगल स्विच होते हैं, ऑन करते हैं वो स्टेट 1 है, ऑफ करते हैं वो 0 है। इन दो जो डिस्क्रीट या डिस्टिंक्ट दो स्टेट है ना, इनको हम कंप्यूटर में का यूज करते हैं, और इनको हमने मान लिया 0 1। इसको आप ऑन और ऑफ बोल दो, लो और हाई कह दो, ट्रू या फॉल्स कह लो। अलग अलग एस्पेक्ट में इन दो स्टेट को अलग अलग इंटरप्रेट किया है। और कंप्यूटर में चूंकि जो सर्किट पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का है, तो इसमें वोल्टेज और करंट की बात होती है, तो हमने कहा कि यार वोल्टेज 0 है तो उसको एक स्टेट मान ले 0, और वोल्टेज हाई है तो उस स्टेट को मान ले 1। तो यहां पर दो स्टेट यूज करी है। अब डेसिमल में क्या है, हमको वोल्टेज को 10 अवस्थाओं में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है, तो दो स्टेट ले ली 0 1 है ना, वोल्टेज है, ये दो स्टेट को हम टू स्टेट मानते हैं, ऑन और ऑफ मान ले तो हम कहेंगे कि 0 1 बहुत आसान है दो स्टेट को इंटरप्रेट करने के लिए। अब चूंकि ये क्लियरली दो स्टेट है, तो हमारे पास जो रेंज होगी ना बहुत कम हो गई है, हमको दो दो सिंबल यूज करना है, दो अवस्थाएं यूज करनी है, तो सेफ्टी रेंज हो गई है, रिलायबिलिटी बढ़ गई है ना, सर्किट डायग्राम कॉम्प्लेक्स से सरल हो गया है, क्योंकि स्पेस कम लगेगा, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, ये भी एक रीजन है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर को यूज करता है, ये प्रोसेस करने के लिए तो बाइनरी नंबर को यूज कर रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि स्टोरेज यूनिट भी कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है, डाटा को स्टोर करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में तो रैम है, अपन जानते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल से रैम बनती है जो कि प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन आप कंप्यूटर के साथ ऐसी मेमोरी भी जोड़ती है जो कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मटेरियल से बनी हुई होती है, मैग्नेटिक चुंबक, ऑप्टिकल प्रकाश। अब यहां पर वो जो बाइनरी पे काम कर रहा है स्टोरेज रैम जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और मैग्नेटिक और ऑप्टिक्स जो डेटा को सेव करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल है और सीडी डीवीडी और ये ऑप्टिकल मटेरियल है,
तो यहाँ पर बाइनरी नंबर ये कि हम मैग्नेटिक फील्ड और ऑप्टिकल फील्ड में भी दो स्टेट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपकी पेन ड्राइव हो जो भी हार्ड डिस्क वगैरह जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है, वहां भी दो स्टेट को इंटरप्रेट किया है कि जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक के फील्ड के कॉन्टेक्ट में आती है तो हम समझते हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स की कुछ डायरेक्शन होती है, तो बस वो दो डायरेक्शन को दो अवस्थाएं मान ली। इसी प्रकार ऑप्टिकल की बात करें, प्रकाश लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कम है एक स्टेट मान ली, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है दूसरी स्टेट मान ली। तो जो सीडी डीवीडी होती है जो कि ऑप्टिकल बेस पर डाटा को स्टोर करती है, तो वहां भी दो स्टेट हो गई। अब चूंकि ये दो स्टेट बाइनरी में वोल्टेज के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, मैग्नेटिक में फोर्स की डायरेक्शन के फॉर्म में दो स्टेट हो गई है, और ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी की दो स्टेट हो गई है, तो कॉम्पेटेबल हो गई है। हम मेमोरी को अब बाइनरी के साथ कॉम्पेटेबल कर सकते हैं, इसलिए इसलिए कंप्यूटर सिस्टम इन दो अवस्थाओं को, जिसको जीरो वन कहते हैं, ये दो डिजिट है इसलिए इसको बाइनरी बोलते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी लैंग्वेज को क्यों यूज करता है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? आप समझ गए कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को क्यों यूज करता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पेटेबल है। मैग्नेटिक मेमोरी स्टोरेज में भी, मैग्नेटिक या ऑप्टिकल मेमोरी हो उसमें भी अपन बाइनरी बाइनरी दो दो स्टेट को बता सकते हैं, इसलिए चलिए ये एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया है, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को क्यों यूज करता है। अब कुछ बात करते हैं हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं मैं। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक ये सेंस नहीं है कि अपने आप ही स्वतः ही काम करते जा रही है, प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, मतलब आपको डेटा तो इनपुट में देना पड़ेगा प्लस जो जो रिजल्ट आया उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपने लॉजिक दे दिया तो कंप्यूटर अब उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली प्रोसेस को ऑटोमेटिक करता रहेगा, तो इसलिए एक ऑटोमेटिक है डिवाइस। दूसरी बात करें हाई स्पीड, नो डाउट इसमें कोई दोराय नहीं है कि कंप्यूटर मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, बेटा सेकेंड, आज के समय में सुपर कंप्यूटर बेटा फ्लॉप यूनिट्स में काम कर रहे हैं, है ना, ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन, बिलियन ऑफ कैलकुलेशन सेकेंड्स में हो जाते हैं। हाई स्पीड के साथ वो एक्यूरेसी भी मेंटेन करता है, 100% एरर फ्री है। आप इनपुट सही देंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपके अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी 100% सही आएगा। इंटेलिजेंस है ना, कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे, एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो रिपीटेटिव टास्क उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी के साथ वो कंप्यूटर सिस्टम करेगा। इसके बाद वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी। यहाँ पर वर्सेटिलिटी का मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर एक टास्क को नहीं करता है, आप किसी भी प्रकार की टास्क दे दो, है ना, वो सभी प्रकार की टास्क को, डिफरेंट फील्ड्स की टास्क को रिपीटेटली बिना बिना किसी एरर के वो करता है। इसी के बाद स्टोरेज कैपेबिलिटी, लार्ज अमाउंट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो के फॉर्म में हो या वीडियो के फॉर्म में हो। कम्युनिकेशन ये है कि कंप्यूटर एक स्टैंड अलोन मशीन नहीं है कि वो उसको केवल डाटा को प्रोसेस करना है। ये जो कंप्यूटर सिस्टम की करेक्टरिस्टिक है जो आज के समय में ज्यादा यूज हो रही है कि कंप्यूटर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, और इसी फीचर्स के कारण से एक बहुत फील्ड आज इमर्जिंग हुई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने सुना है ना IoT के बारे में, तो ये कम्युनिकेशन है कि कंप्यूटर डिवाइस दूसरी डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है। तो जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस आ रही है, चाहे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो, स्मार्ट होम हो, स्मार्ट फैन हो, ओवन हो, तो ये सब कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए एक दूसरे कनेक्टेड हो सकती हैं। तो एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये अदर डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि ये कंप्यूटर केवल यूजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है ना, fully dependent on humans. आप जो लॉजिक देंगे तो उसी लॉजिक के हिसाब से वो आपको रिजल्ट देगा, यदि आप गलत लॉजिक दोगे तो गलत आंसर देगा, टोटली डिपेंडेंस। दो इसके और फीचर्स यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा इन इन फोटोग्राफ से, नो इंटेलिजेंस कोसेंट, नो IQ एंड नो फीलिंग्स, ठीक है, ये
कंप्यूटर और ह्यूमन की ये जो दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि भाई कंप्यूटर खुद अपना डिसीजंस नहीं लेता है, आप जो लॉजिक देंगे उसको लॉजिक को रन करता है, खुद से किसी टास्क को भी इनिशिएट नहीं कर सकता है, वो केवल ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, कोई इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं है ना, कि आप गुस्से में हो तो ऐसा नहीं कि वो आपको जल्दी आंसर, आप लेट लगा लेट टाइम ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो जल्दी टाइम से वो आपको आंसर दे दे, तो किसी प्रकार की फीलिंग नहीं है। दो फीचर्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर और ह्यूमन को अलग करते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। कई प्रकार कंप्यूटर्स कई प्रकार हैं, लेकिन हम उसको उसके फंक्शनलिटी के आधार पर अपन कैटेगराइज करें तो उनके टाइप को अपन डिफरेंट कर रहे हैं साइज और उनके फंक्शन से। ठीक है, ये नोट करें, कंप्यूटर्स के जितनी भी है उसके जिसकी फंक्शनलिटी के करस्पॉन्डिंग हमने उनको जितने भी कंप्यूटर्स उसको तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। ठीक है, इनको अपन जल्दी जल्दी देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स केवल दो प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जिसका फॉर्म कंटिन्यूअस होता है, और डिजिटल हमने अभी बात करी, 0 1 दो डिस्क्रीट वैल्यू होती है। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं इनका एक अलग ही एप्लीकेशन है ना, ये क्या होता है किसी प्रकार का नंबर्स या कोड पर काम नहीं करते, जैसे कि कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर नंबर मतलब बाइनरी और बाइनरी कोड पर काम करते हैं, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स हैं ये किसी नंबर या कोड पर काम नहीं करते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां होती है, टेम्परेचर प्रेशर है ना वोल्टेजेस, इनको मेजर करके हम कुछ आउटपुट निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं जिनमें कोई किसी प्रकार का नंबर या कोड्स यूज नहीं किया जाता है, डाटा डिस्क्रीट नहीं होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, और ये कंट्रोल सिस्टम और एयरक्राफ्ट में ही यूज करते हैं ना, रियल टाइम ऑपरेशन और सिमुलेशन में इनका यूज किया जाता है। एंटी कैथेरा ये डिवाइस है जो कि सबसे मानते हैं कि ये पहला एनालॉग कंप्यूटर, बहुत पुराना एनालॉग कंप्यूटर है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, एंटी कैथेरा है ना एनालॉग कंप्यूटर। ये डिजिटल की तरह है, बहुत रेयरली आप देखते हैं, इनकी अलग ही एप्लीकेशन है। ठीक है, नाउ लेट्स डिजिटल कंप्यूटर। अभी तक मैंने कंप्यूटर को जो डिफाइन करा था वो डिजिटल कंप्यूटर को ही डिफाइन किया था, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कंप्यूटर की और कंप्यूटर डेफिनेशन की, ये डिजिटल कंप्यूटर को मैंने डिफाइन किया था क्योंकि इसमें ये प्रिंसिपल होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यहां पर डिजिटल कंप्यूटर नंबर्स और कोड पर काम करता है, वो कोड्स बाइनरी है, वोल्टेज करंट जो मैंने बाइनरी की बात बताई थी है ना, तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज कर रहा है, वो डिजिटल है। अब ये हर चीज चाहे वो डाटा को स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, इनपुट कर रहा है, आउटपुट कर रहा है, हर काम बाइनरी में हो रहा है, डिजिटल में हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्टेज की वाली बात नहीं है तो मैग्नेटिक बात है, तो वो दो मैंने बताया था डेटा को स्टोर करेगा, वो भी बाइनरी में स्टोर करता है, दो अवस्थाओं में स्टोर करता है। बात करें ऑप्टिकल में तो मेमोरी भी जो ऑप्टिकल डिस्क है वो भी डेटा को स्टोर दो स्टेट में कर रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो कि बाइनरी पर काम करते हैं, कैलकुलेशंस वर्क होता है और दो स्टेट पर काम करते हैं, वो 0 1 है। ठीक है, तो नंबर्स में है, बाइनरी फॉर्म में 0 1 में हो रहा है, और इसको आप एनिक फर्स्ट कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर मान सकते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, और आल भी जितने भी अपन मॉडर्न कंप्यूटर्स देख रहे हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप आपके लैब में जो कंप्यूटर्स हैं वो उसकी कैटेगरी डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो एनालॉग डिजिटल जो एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं एनालॉग कंप्यूटर है, और जो 0 1 डिजिटल है ना दो स्टेट पर काम करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड। ठीक है, अब ये कंप्यूटर्स में दोनों की प्रॉपर्टीज हैं एनालॉग और डिजिटल, तो एनालॉग और डिजिटल से एक कंप्यूटर बना जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर होता है। इसका जो डिजिटल पोर्शन होता है वो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ना एज अ कंट्रोलर, और जिसका जो एनालॉग कंपोनेंट है वो मैथमेटिकली एक मॉडलिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम कहें कि हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों प्रॉपर्टीज हैं, वो डिजिटल की फीचर्स को भी यूज कर रहा है और एनालॉग के फीचर्स को भी यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है कि वो दोनों एक सिंगल यूनिट में एनालॉग भी हो रहा है डिजिटल भी हो रहा है। जो फर्स्ट डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटर है उसको हाईकॉम 250 है, रिलीज 1961 में यूज हुआ है, इसको आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर सिंपल सा एनालॉग
प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड, दोनों की प्रॉपर्टीज है ना उसका। एक कुछ एक एक कंपोनेंट एनालॉग की का वर्क करेगा, एक पोर्शन डिजिटल का वर्क करेगा, ठीक है। तो एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर की ये कि वो एनालॉग की स्पीड लिए हुए है और डिजिटल की एक्यूरेसी लिए हुए है, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। आगे बात करें, अब अपन इस जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको सब कैटेगराइज किया है बाय साइज के हिसाब से, तो फिर तीन कंप्यूटर आपके सामने आए हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो अपन माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करते हैं। आप जितने भी सिस्टम है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप जो दिख रहे हैं, सब माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो एक माइक्रो चिप में होता है, और उस माइक्रोचिप को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में आपका सीपीयू है, कुछ बसेस हैं, सिस्टम बसेस हैं, इनपुट आउटपुट है ना। तो इन इन सभी कंपोनेंट को हमने एक बोर्ड पे इनबिल्ट कर दिया, और उस बोर्ड को बोला अपन ने पीसीबी, प्रिंटेड कार्ड बोर्ड, और उस पीसीबी को अपन कहते हैं मदरबोर्ड। क्लियर? मदरबोर्ड आपने नाम सुना है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है कि उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर पर सीपीयू की चिप है, इनपुट आउटपुट के लिए उसमें बसेस हैं, और इन सबको अपन ने पीसीबी में इनबिल्ट कर दिया, उसको कह रहे हैं मदरबोर्ड। तो आज के जो पर्सनल कंप्यूटर्स है, डेस्कटॉप, नोटबुक, ये सब आप माइक्रो कंप्यूटर आ सकते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर है ना, ये मीडियम साइज के कंप्यूटर्स हैं, ये माइक्रो से ज्यादा पावरफुल है। और माइक्रो और मिनी में बस ये समझिए कि जो मिनी कंप्यूटर्स है वो मल्टी यूजर सिस्टम्स है, मतलब एक से ज्यादा यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स में। तो कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो मिनी कंप्यूटर्स के, आईबीएम सिस्टम, हनीवेल, टीआई, ये मिनी कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इनकी अलग ही टेलीफोन स्विचेस में और साइंटिफिक रिसर्च में इनका यूज करते हैं, पावरफुल ज्यादा है माइक्रो से, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं देखे हैं तो आपने, यदि एटीएम मशीन यूज करते हैं आप लोग तो आपने समझो मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा हुआ है ना, क्योंकि एटीएम मशीन में जो कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, तो वो बड़े होते हैं और 1000 ऑफ यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो कई सारे स्मॉलर सर्वर से बना हुआ एक कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, लार्ज साइज होता है और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर आपको ज्यादा चाहिए तो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के, नोट कर लीजिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, है ना। एक स्पीड को मेजर करने की यूनिट आपने मिली सेकेंड, माइक्रो, मिनी, नैनो सेकेंड तक आपने सुना है, पढ़ा है कि ये कंप्यूटर नैनो सेकेंड में वर्क करता है। सुपर कंप्यूटर पेटा फ्लॉप एक यूनिट है, पेटा फ्लॉप मतलब ट्रिलियंस, थाउजेंड ऑफ ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर जो पेटा फ्लॉप्स है उस स्पीड हाई कंप्यूटिंग, वेदर फोरकास्टिंग और इनका एक इनमें यूज करने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, है ना, एक हजारों कंप्यूटर्स का एक, अपन कहें हजारों प्रोसेसर का से बना एक कंप्यूटर, वो सुपर कंप्यूटर है। अपनी बात करें कि कई सारे हैं तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। अच्छा, इसकी एक ये जो पैरेलल और ग्रिड प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। अपने डेस्कटॉप पीसी में ड्यूल कोर दो प्रोसेसर होते हैं, चार प्रोसेसर होते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर में, लेकिन यहाँ पर हजारों प्रोसेसर एक साथ हैं, तो उनकी कैपेसिटी आप इमेजिन कर सकते हो स्पीड की, है ना, कि सभी सारे कंप्यूटर एक साथ अपने जोड़ दिए हैं लॉजिक यूनिट में, तो वो बन गया सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया सुपर कंप्यूटर, यूएसए में है, और इसके बाद भारत का सुपर कंप्यूटर जो सबसे अभी टॉप 500 में 39 रैंक पर है, प्रत्यूष, है ना, ये सुपर कंप्यूटर है, इस 4.0, ठीक है, ठीक है। इवोल्यूशंस भी है ना, और इवोल्यूशंस को भी अपन डिस्कस करेंगे अगले मॉड्यूल में, है ना। और अब मैं थोड़ा सा रेफरेंसेस यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैं जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज करें और आप लोगों के लिए भी है, ये नोट करने वाली चीज है, आप लोग इनको नोट करिए प्लीज सभी बच्चे। ये बुक्स है कुछ,
और ये जो वेबसाइट यूआरएस दिए हुए हैं इसमें बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ये एमएचआरडी की कुछ वेबसाइट्स हैं, स्वयं ट्यूटोरियल्स, ये स्वयं में जो एमएचआरडी की है, एनपीटीएल है ना, इसके बाद गूगल और स्लाइड शेयर, तो ये ओपन है, आप इनका यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे लिए, गूगल इमेज से ही लिए हैं, कुछ कंटेंट्स मैंने इन स्लाइड से लिया है। ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये नोट्स के लिए अच्छी साइट से, तो इन साइट्स को आप नोट करें, ये रेफरेंसेस हैं। कुछ अपन ने पोर्शन स्किप कर दिया टाइम की वजह से, अपन उसको अगले मॉड्यूल में देखेंगे है ना, लेकिन कुछ जो जितना भी अपन ने थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि अपने को ये चीजें याद रहे। इसका जवाब कौन देगा? इन्फॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा, ट्रू या फॉल्स? हाथ ऊंचा करिए, बताइए, वहां पर जो टीचर्स हैं उनको भी बता दीजिए जिसको पता है। इन्फॉर्मेशन इज कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डेटा, इज इट ट्रू और फॉल्स? सही है या गलत है, बता दीजिए। ट्रू इन्फॉर्मेशन होता है वो डाटा, मीनिंगफुल डेटा का कलेक्शन होती है, सही है गलत? सही है। ठीक है, आंसर इज ट्रू। हाइब्रिड कंप्यूटर प्रोसेस ए एनालॉग डेटा, डी डिजिटल डेटा, बहुत ए एंड बी और इनमें से कोई नहीं? सी गुड। सी इसने बताया बेटा अपना नाम, अब बेटा अपना नाम और कॉलेज का नाम बताओ। हाँ, सावनराज गाड़गे फ्रॉम बड़वा। तालियां बजाओ इसके लिए भाई सब बच्चे, गुड, बढ़िया। अब थोड़ा सेशन इंटरेक्टिव लग रहा है आपसे सवाल पूछने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट ये है, ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ट्रू या फॉल्स? ट्रांजिस्टर किस थर्ड जनरेशन में यूज होते थे, ट्रू? बताइए, कोई कोई बताएगा? ट्रू है सर। फॉल्स। हाँ बताइए, फॉल्स। फॉल्स, गुड। नाम नाम बताओ बेटा और अपने कॉलेज का नाम बताओ। साक्षी तिवारी, जीडीसी कॉलेज, एमपी, रीवा। गुड गुड, ताची के लिए तालियां बजाइए, है ना। थर्ड जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, है ना, ठीक है, गुड प्राची, है ना, फॉल्स है। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज पीसी, नोटबुक, लैपटॉप या सभी? ऑल ऑफ दिस, डी। हाँ बेटा नाम बताइए, नाम बताइए, गुड, नाम बताइए अपना। रानी चौधरी, कहाँ से? बड़वा कॉलेज, बड़वा कॉलेज। बड़वा कॉलेज में, रानी के लिए तालियां बजाइए भाई, है ना। ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर इज मोर पावरफुल कंप्यूटर देन माइक्रो कंप्यूटर, इज इट ट्रू और फॉल्स? मेनफ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, ट्रू। ट्रू, गुड। कौन बोल रहा है, नाम बताइए अपना, कॉलेज का नाम? विमस शर्मा, साक्षी तिवारी, जीडीसी कॉलेज, रीवा। चलिए ठीक है, फिर से आपने इससे पहले भी बताया था। यस सर। चलिए ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एआई, ये मैंने सेक्शन स्किप कर दिया था लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर पता होगा। एआई का फुल फॉर्म कोई बताएगा? हाँ बेटा, नाम बताइए, नाम बताइए, कॉलेज का नाम? आशीष शर्मा, नीमच, गवर्नमेंट प्रिंसिपल। गुड गुड, तालियां इसके लिए, नीमच के कॉलेज की बच्ची के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड डैश नंबर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, बताइए कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है डिजिटल कंप्यूटर? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी, बाइनरी, 01। नाम बताओ, कॉलेज का नाम बताओ? एन बी, नीमच। ओके नीमच, में तालियां बजाइए बच्चे के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सभी? बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। गुड बेटा, नाम और कॉलेज का नाम बताओ अपना। सर रामपुरा पीजी कॉलेज एंड पलक श्रीमाल। ओके ओके थैंक यू। गुड बेटा बेटा, लास्ट दो क्वेश्चन। एटीएम यूज्ड डैश कंप्यूटर। एटीएम जो मशीन है कौन सा कंप्यूटर यूज करती है? ये तो हाँ, कौन सा कंप्यूटर? मेन कंप्यूटर। गुड गुड गुड। नाम बताओ बेटा अपना, कॉलेज का नाम? नीमत कहिश शर्मा। ओके, नीमत से बहुत जवाब दे रहे हैं भाई बच्चे। लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया में सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं क्रे, परम, प्रत्यूष और सभी। या तो ये सभी है क्या? हाँ परम। परम अच्छा, और प्रत्यूष भी तो मैंने बताया था। हाँ अब आ गया, चेंज हो गया आंसर। यस क्रे, परम और प्रत्यूष। गुड गुड, आप सभी को बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। चलिए है ना, तो ये सेशन यहीं अपन कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को ये बहुत उपयोगी होगा और आगे भी के मॉड्यूल में भी अपन इसको करेंगे, है ना। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मध्य प्रदेश शासन को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मंच दिया ताकि मैं बच्चों से अपना जो नॉलेज उसको शेयर कर सकूँ। इस वर्चुअल क्लासरूम के कोऑर्डिनेटर और कन्वेनर और यहाँ का स्टाफ, तो सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और यदि आपको इस लेक्चर से जुड़े या कुछ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विषय से कुछ भी क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो ये ईमेल आईडी या फोन आप कर सकते हैं। नमस्कार।